पिछले दो दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी भारी बारिश से बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार आपात स्थिति से निपटने के काम में युद्ध स्तर पर जुटी। इस बीच दिल्ली सरकार में लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने दिल्ली में लगातार दो दिनों से जारी भारी बारिश के बाद सोमवार को ट्वीट कर कहा कि ऐसा लगता है कि कल यानी मंगलवार सुबह तक यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाएगा। बारिश जारी रहने के बावजूद हम पानी के प्रवाह की निगरानी कर रहे हैं। उम्मीद है कि नदी कल पुराने यमुना रेलवे ब्रिज पर खतरे के निशान को पार कर जाएगी। मंत्री आतिशी ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए जरूरी चेतावनी जारी कर दी है। यमुना के बाढ़ प्रभाव वाले इलाके में रहने वाले लोगों को निकाला जा रहा है। इस काम में सहायता के लिए यमुना नावें भी तैनात की गई है। नाव चालकों के पास जरूरी बचाव उपकरण भी है। जिन लोगों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों से बाहर निकाला जा रहा है उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का काम जारी है। इस बाबत अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में सोमवार को एक समीक्षा बैठक भी बुलाई है।